हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो में चैनल जिसका नाम है सीएनटी सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सिखाऊंगा मैं नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। पिछले वीडियो में सिखाया था मैं व्हाट इज द डिफरेंस नॉमिनल मिक्स कंक्रीट एंड डिजाइन मिक्स कंक्रीट। तो आईएस कोड क्या कहता है, ये आईएस कोड है, आईएस कोड 456-2000। इसके बेस पे हमें सभी वर्क करना होता है, इसी बेस पे हमें डिजाइन करना होता है कंक्रीटिंग का। ये सपोज बेस्ड क्या है, ओनली डिजाइनिंग करती है कंक्रीटिंग पे। ओके, तो इसमें हमें क्या गिवन है, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट क्या कहता है, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट मे बी यूज्ड फॉर कंक्रीट ऑफ M20 और लोअर। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कौन सी होती है, जो सबसे पहले क्या होती है, M20 तक होती है या फिर उससे नीचे तक होती है। ठीक है, दी प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल्स फॉर नॉमिनल मिक्स कंक्रीट शैल बी अकॉर्डिंग विद टेबल 9। तो ये टेबल 9 है जो इसमें आप अकॉर्डिंग लेवर क्या लेंगे, मटेरियल सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। ठीक है, एंड आपका वाटर होगा तो इसी के बेस पर होगा जो रेशियो लेते हैं नॉमिनल मिक्स कंक्रीट पे। इसके बेस पे मैं आपको रेशियो निकालूंगा। आपका जो रेशियो होता है वो तो स्टैंडर्ड है, पर लेकिन जो इस बेस पे निकालता है आईएस कोड जो निकालता है उसके बेस पे क्या निकालते हैं, द सीमेंट कंटेंट ऑफ मिक्स इज डिफाइंड इन टेबल 9 एंड नॉमिनल मिक्स कंक्रीट जो नॉमिनल मिक्स है शैल बी प्रोपोर्शनली इंक्रीज्ड। जो इसका प्रोपोर्शनल है, जो आपका सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का है, जो डिफरेंट जो रेशियो आपका सैंड एंड एग्रीगेट का वो क्या होता है, बढ़ जाता है इफ़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ए मिक्स हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। अगर जो इसमें वाटर है, जो इसकी जो क्वांटिटी है, अगर इसमें बढ़ा देते हैं तो थोड़ी जो बढ़ा देते हैं तो एग्रीगेट सीमेंट सैंड एग्रीगेट का जो वॉल्यूम है वो आपकी बढ़ जाती है। तो द डिफरेंस डिफिकल्टीज ऑफ प्लेसमेंट एंड कंपैक्शन, जब आपका जो किस कारण से बढ़ाते हैं, वो जो आपके जो डिफरेंट जो वर्क होते हैं, जैसे कि आपकी जो वर्केबिलिटी है वो पॉसिबल नहीं है, कि जैसे कि आप कॉलम में कास्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप फुटिंग में कास्टिंग कर रहे हैं, तो कि वहाँ पे क्या है, जो आप वाटर सीमेंट रेशियो उसमें कम ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बढ़ा देते हैं आप उस कंडीशन में, वाटर बढ़ा देते हैं और सीमेंट कंटेंट आपको जो यूज़ करना है तो सीमेंट कंटेंट क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड जो आईएस कोड के अकॉर्डिंग आपको सीमेंट यूज़ करना है। एज डिपेंड करता है आपकी ग्रेड ऑफ सीमेंट, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो क्या कहता है, प्लेसमेंट एंड कंपैक्शन, तो सो दैट द वाटर सीमेंट रेशियो इज स्पेसिफाइड इन योर एक्सीडिंग। ठीक है, जो वाटर सीमेंट रेशियो होगा, जो आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो है डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हमें क्या गिवन है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट्स मास पर 50 kg, जो आपका ड्राई एग्रीगेट्स है, एग्रीगेट्स आपका सैंड कोर सैंड एंड एग्रीगेट टू दी टेकन द सम ऑफ इंडिविजुअल मास ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट किलोग्राम में। ठीक है, आपका जो उन्हें रेशियो उसको अपने क्या उसने क्या दे दिया है, आपको ओनली केजी में दे दिया है, पर 50 kg। देखिए आपका प्रोपोर्शन जो है आपका, जैसे आपके यहाँ पे क्या है, ग्रेड है। ठीक है, उसने यहाँ पे ग्रेड दे दिया, सब कुछ कीजिए, मैं M20 का निकाल रहा हूँ। M20 के लिए क्या दे दिया उसने, कोर्स एंड 50 kg। यहाँ पे क्या लेना उसने, सीमेंट। ठीक है, सीमेंट हो गया, सैंड एग्रीगेट एंड वाटर। ठीक है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर, सीमेंट उसने दे दिया है 50 kg में। ठीक है, टू बी टेकन सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट 50 kg दे दिया है और कोर्स सैंड और कोर्स एग्रीगेट का सम दे दिया, उनका इकट्ठा जोड़ दे दिया है, कितना दे दिया है उन्हें M20 के लिए, 250। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या है, 250। तो यहाँ पे क्या लेता हूँ मैं, सपोज कीजिए मैं इसको x ले लेता हूँ और इसको y ले लेता हूँ। ठीक है, इसको x, इसको y, ये क्या है आपका 150 kg है, ये क्या है आपका kg है। ठीक है, इसको मैं बाद में निकाल देता हूँ। तो वाटर कितना दिया उसने, 30। वाटर क्या आपका 30, क्या है ये, क्वांटिटी ऑफ वाटर पर 50 kg ऑफ सीमेंट मैक्सिमम लीट, ये क्या है लीटर में, तो 30 लीटर है मैक्सिमम है ये, 50 kg सीमेंट पर, अगर 50 kg सीमेंट निकाल रहे हैं तो उस पर 30 लीटर है। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, इनका रेशियो क्या आएगा, 1:1 स्टैंडर्ड जो रेशियो है क्या होता है, इसमें उसने दे दिया, देखिए तो जनरली 1:2 लेते हैं, बट जनरली जो क्या लेते हैं, 1:2 लेते हैं M20 M30 एग्रीगेट का प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, 1:2 लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो गया M10 का रेशियो क्या होगा, 1:3:6। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये रेशियो क्या है 1, ये रेशियो क्या है 2। ठीक है, इसके उससे गुना करते हैं तो 2 हुआ ना, ये इसका डबल हुआ, इसीलिए
ये प्रोपोर्शन उसने दे दिया है कोर्स सैंड का कोर्स एग्रीगेट का। तो हमें सैंड एग्रीगेट किस में यहाँ पे क्या निकालना है, केजी में निकालना है, तो लीटर वाटर में दे दिया है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे करते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 250 केजी, तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। अगर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं वाई क्या है, अगर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 2x इक्वल टू, अगर यहाँ पे ये y ले लेते हैं तो इसमें पुट कर देंगे हम y में पुट कर देंगे, ये अगर ये चीज़ लेते हैं सब एज्यूम करिए एज्यूम ठीक है, तो x प्लस y क्या है 2x, 2x इक्वल टू 250 ठीक है, तो 3x इक्वल टू 250 क्या है kg, तो इसको अब इसको क्या करना है हमें डिवाइड करना है x इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 3 ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो 250 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 83.33 के जी ठीक है। अगर हमारे पास था यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू 250, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई ना, x की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 83.33, तो यहाँ पे वैल्यू सेम प्रोसेस जब पुट कर देते हैं 83.33 प्लस y इक्वल टू 250 ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालते हैं y इक्वल टू 250 माइनस 83.33 इक्वल टू 250 माइनस 83.33 इक्वल टू 166.7677, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 166.7 ठीक है। आपका सीमेंट निकल गया है 50 केजी, इनकी रेशियो क्या बनी, अब जो रेशियो आएगा M20 ग्रेड आएगी नॉमिनल मिक्स कंक्रीट एज पर साइड, तो अगर यहाँ पे निकाल देते हैं 50 को ले लेते हैं 1:1 ठीक है, 50 को 1, तो इसको भी 50 से डिवाइड करते हैं 83.33 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू 1.66 ओके, इसको देखते हैं 166.67 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू 3.33 डिवाइड बाई 30 लीटर। ये आप जैसे कंक्रीट बना रहे हैं प्रोपोर्शन कंक्रीट ले रहे हैं M20, तो रेशियो क्या निकालेंगे ये चीज़ आपके निकल के आएगी, बट इस कंडीशन क्या कहता है 1:1.50 प्लस कितना हुआ 0.16 ओके, तो 3.0 प्लस 0.33 ये क्या है इसका डबल हुआ ना, तो इसको अगर हम लेस कर देते हैं तो 30 लीटर, तो रेशियो क्या स्टैंडर्ड रेशियो क्या आया 1:1.5:3 M20 का यही होता है ना 1:1:3 ये होता है स्टैंडर्ड रेशियो, तो वही आया ना, तो इसको हम यहाँ पे किस कंडीशन में क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं जो पॉइंट रेशियो है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो सेम जो स्टैंडर्ड है जो ग्रेड बन चुका है तो ये रेशियो आपका निकल कर आता है। अगर आप ग्रेड निकाल रहे हैं नॉमिनल मिक्स कंक्रीट जैसे आपकी आप डिज़ाइन करेगा जैसे कि RMC प्लांट से आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से आता है तो वो क्या करेगा इस बेस पे आपको ग्रेड निकालेगा ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको बता देना है ठीक है। तो यहाँ पे आप जो स्ट्रेंथ आएगी आपकी जो अपर लिमिट है 1:1.5 एंड जो लोअर लिमिट है 1:2.5 ठीक है 1.5 का, तो इसमें क्या कह रहा है नोट्स क्या कह रहा है द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन टू द कोर्स एग्रीगेट शुड बी एडजस्टेड फ्रॉम अपर लिमिट टू लोअर लिमिट ठीक है प्रोग्रेसिवली एज द ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। जो आपका प्रोपोर्शन होगा आपका जो प्रोपोर्शन क्या होगा जो रेशियो लेते हैं जो आप डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में जो मिक्स ले रहे हैं ठीक है सीमेंट सैंड एग्रीगेट का प्रोपोर्शन क्या है रेशियो क्या आपका मिक्स क्या है फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए एडजस्ट होना चाहिए फ्रॉम कहाँ से अपर लिमिट से एंड लोअर लिमिट से ये क्या होगा जो इसका रेशियो है वो एडजस्ट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि वो रेशियो जो इनको नेगलेक्ट कर देता है आपका जो रेशियो एक्चुअल जो रेशियो आता है ये आता है क्योंकि ये सिंगल है और ये इसका डबल है ठीक है इसका भी ये डबल है इस कहाँ से 1:2 से तो मैंने क्या निकाला 1:2 से निकाला है जो डिफरेंट डिफरेंट केजी में आया ठीक है। तो लोअर लिमिट प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट मिनिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट मिनिमम
साइज जो स्टैंडर्ड जो साइज लेते हैं कोर्स एग्रीकल्चर लेते हैं, ओके, तो बीकम लार्जर होगा। बीकम क्या होगा? लार्जर होगा। फाइन एग्रीगेट बीकम होता है फाइनर, अगर आप ग्रेडिंग ले रहे हैं प्रोस्पेक्टिवली ग्रेडिंग फाइनर एंड साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट बीकम होता है लार्जर होता है। द ग्रेडेड कोर्स एग्रीगेट शैल बी यूज्ड, मैं एक ग्रेड के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रेड साइज है आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, उनकी सिंकेज क्या होती है, उनका वर्ड्स क्या होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट मैं उनके सभी के वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एग्रीगेट एंड यूज ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट एंड टाइप्स ऑफ एग्रीगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।